अच्छा फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है स्क्वायर को देखेंगे कि स्क्वायर को कैसे ड्रा किया जाता है टर्बो सी के अंदर और सी लैंग्वेज में, टर्बो सी सॉफ्टवेयर में। अब वो हमने क्या करना है, हमने बहुत सारे स्क्वायर या बहुत सारे जो है वो शेप्स हमने ग्राफिक्स को देखा। अब हम इस वीडियो के अंदर स्क्वायर को जो है ना बाकायदा तौर पे ड्रा करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास स्क्वायर है वो स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो कैसे ड्रा होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, अच्छा ये जो जितना वर्क है ये पुराना है बिल्कुल, इससे आगे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेम है सबका। आगे हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं आई को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है ना फोर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा फोर लूप में मैं कहता हूँ आई इक्वल्स टू वन के बराबर है। ठीक है, और आई जो है ना वो लेट सपोज आप कह दो लेस देन या बराबर है, लेस देन या बराबर है लेट सपोज 10 के, लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, या ये कह दो, और आई को क्या कह दो, आई को प्लस प्लस कह दो। ठीक है, यहाँ पे अब हम हमारे पास हमने क्या करना है, ब्रेकर्स को ओपन करना है, और ये ब्रेकर्स ओपन हो चुकी है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, सेट कलर करना है, सेट सेट कलर आ गया, सेट कलर आ गया। ठीक है, एंड सेट कलर के अंदर हमने क्या करना है, मैंने आई को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने कहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आ गया मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 250। ठीक है, कॉमा लगाया। ठीक है, इसके बाद मैं कह देता हूँ 250, और 250 मैं दे देता हूँ, 250 देता हूँ, और उसके साथ 250 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 70 और 70। आपको पता है स्क्वायर में जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो चारों साइडों जो होती है वो आपस में सबके क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, एंड लास्ट में मैंने क्या करना है, सेमी कॉलन लगा देना है। ठीक है, ये आ गया, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगाया, और यहाँ पे मैं गेट सी एच लिख देता हूँ, और ये मेरे पास आ गया गेट सी एच, एंड देन उसके बाद मैं कह देता हूँ क्लोज ग्राफ। ठीक है, ये जो है ना ये नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई मसला नहीं हो। ठीक है, या यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, और यहाँ आके यहाँ पर भी सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसको यहाँ पे क्लोज करना है, ये जो है ना ये यहाँ पे क्या होगी, क्लोज होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना प्रोग्राम स्क्वायर का बन चुका है कि स्क्वायर को किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है थ्रू सी लैंग्वेज और टर्बो सी सॉफ्टवेयर पे। ठीक है ना, तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे, एंड देन उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम फिर रन करते हैं। कह रहे हैं एरर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या, ब्रेकर्स को यहाँ पे क्लोज नहीं किया। ठीक है, यहाँ ब्रेकर्स क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कंपाइल रन कर देते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है वार्निंग ज़ीरो है, एरर भी ज़ीरो है, और सक्सेस है, प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपाइल एंड रन कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, तो असल में हमने ड्रा यही करना था कि स्क्वायर को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे थ्रू सी लैंग्वेज में, और ये था हमारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज का। इसमें हम आपको दोबारा भी एक दफ़ा कोड दिखा देते हैं। ये था हमारा कोड, और यहाँ पे हमने कलर को सेट कर दिया, उसके बाद हमने वैल्यूज दिए कि मुझे इतने इतना ये चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजिंग है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।